मीना बहुत शांत लड़की है, वो दिल की बहुत ही नेक इंसान है। मीना हर रोज स्कूल जाती और मन लगाकर पढ़ती। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। मीना को सबकी मदद करना बहुत अच्छा लगता था। मीना का स्कूल उसके घर से थोड़ी दूर था, तो बस या गाड़ी में जाना पड़ता था। अरे ये क्या, आज एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही। लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा आज स्कूल। शाम को मीना और उसके दोस्त जब स्कूल से घर के लिए निकलते हैं, तभी उनकी नज़र कचरे के डिब्बे के पीछे छिपे हुए खरगोश के बच्चे पर पड़ती है। मीना दौड़कर उसके पास जाती है और उसे गोदी में ले लेती है। अरे कितना प्यारा है, कहाँ से आया होगा बेचारा। कितना कमजोर हो गया है, लगता है खाना नहीं खाया होगा कब से। कौन छोड़ गया होगा बेचारे को यहाँ, कहाँ से आया तू, कौन छोड़ गया तुझे यहाँ, तुझे भूख लगी होगी ना, चल मेरे घर चलते हैं। मीना लाड दुलार से उसे घर ले आती है और बिना किसी को बताए अपने कमरे में छुपा लेती है। ये तुम्हारा नया घर है, आराम से रहना, ज्यादा शोर मत करना वरना मम्मी को पता चल जाएगा, डांट पड़ेगी, समझ गए छुटकू। मीना किससे बातें कर रही हो बेटा। किसी से भी तो नहीं, मेरे कमरे में कौन हो सकता है। ये लड़की भी ना कुछ बड़बड़ाती रहती है, आजा खाना खा ले। मीना सोने जा ही रही होती है कि तब तक उसे आवाज सुनाई देती है। पेटी से खरगोश एक लंबी छलांग लगाकर बाहर निकल जाता है। अरे ये छुटकू भी ना, लगता है डांट खिलवा कर ही मानेगा, क्यों बाहर आया। क्यों आया, तू चल वापस अंदर। अरे मैंने कहा जा अंदर चल। तभी खरगोश के पंख निकल आते हैं और वो देखते ही देखते एक नन्ही परी का रूप ले लेता है। मीना हक्की बक्की रह जाती है। नन्ही परी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और मीना को देखकर मुस्कुराती है। हैं परी, तुम कहाँ से आई, तुम कितनी सुंदर हो, तुम क्यों आई हो, देखो तुम्हारी छड़ी कितनी सुंदर है और तुम भी, आहा तुम्हारे बाल। बस बस बस, अब मैं कुछ कहूँ कि तुम तारीफ ही करती रहोगी। हाँ हाँ कहिए ना, आप यहाँ कैसे। सबसे पहले तो तुम भी बहुत प्यारी हो, बिल्कुल परी जैसी। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए खरगोश का रूप ले रखा था। तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम्हारा मन बहुत साफ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें खूब सारे खिलौने और उपहार देना चाहती हूँ। सच में। हाँ हाँ मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। मीना की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। वो परी को देखकर इतनी खुश हुई कि नाचने लगी, गाना गाने लगी और साथ ही परी भी उसके साथ गाना गाने लगी। परी ने अपनी जादुई शक्तियों से मीना को एक जादुई पेन दिया जो कह देने भर से खुद चलता था। मीना के लिए इससे अच्छा तोहफा मानो कुछ हो ही नहीं सकता था। सुनो मीना, इसका गलत इस्तेमाल कभी मत करना, जब ज्यादा जरूरत हो तभी इसका प्रयोग करना। ठीक है, मैं कभी इसका उल्टा प्रयोग नहीं करूंगी। अच्छा मीना, अब मुझे जाना होगा, मेरे जाने का समय हो गया है। तुम्हें अगर कुछ चीज की भी जरूरत होगी तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद परी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। परी मीना को वो जादुई पेन देकर वहाँ से चली जाती है। मीना जादुई पेन को पाकर बहुत खुश होती है। अब मीना अपना काम उस पेन से करवाती और खूब पढ़ाई करती। अगले दिन मीना स्कूल गई तो मास्टर साहब मीना की खूब तारीफ करते हैं। अरे मीना तुम्हारा पेन तो बड़ा सुंदर है, तुमने कहाँ से लिया, मुझे भी लेना है। हाँ मुझे ये किसी ने तोहफा दिया है, सुंदर है ना। एक दिन की बात है, उसका एक दोस्त आर्यन मीना को पेन से काम करते देख लेता है। पेन को खुद चलता देख उसका दोस्त शकित हो जाता है और उसको चुराने की सोच लेता। मीना का दोस्त मीना को बैग में पेन रखते देख लेता है। वो मौका देखते ही मीना के बैग से पेन चुरा लेता है। मीना स्कूल से घर चली जाती है। आज बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, हाथ में भी दर्द है और ये मास्टर साहब कितना सारा काम दे देते हैं। ऐसा करती हूँ परी के दिए पेन से काम कर लेती हूँ। अरे ये क्या, मेरा पेन कहाँ गया, यही तो रखा था, हे भगवान कहाँ जा सकता है। दूसरी जेब में देखती हूँ, अरे यहाँ भी नहीं है, कहाँ जा सकता है। अब मैं क्या करूँ, परी से क्या कहूँगी, अब क्या होगा। क्या हुआ मीना। परी तुम कब आई। बस अभी अभी तुम्हें रोता हुआ देखा। क्या हुआ मीना, क्यों रो रही हो। परी मुझसे तुम्हारा दिया हुआ पेन खो गया है, मैंने बैग में ही रखा था, मुझे माफ कर दो। मीना रोना बंद करो, तुम्हारी गलती नहीं है,
तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना? पर मैं काम कैसे करूंगी? मीना, जब तुम्हारे पास ये पेन नहीं था तब भी तो तुम ही करती थी काम। तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हें किसी भी जादुई पेन की जरूरत नहीं। तुम अपना काम कर सकती हो, मुझे यकीन है तुम पर। पर वो पेन? तुम चिंता मत करो, पेन को मैं ढूंढी लूंगी और जिसने भी तुम्हारा पेन चुराया होगा उसे मजा चखाऊंगी। मीना अपना काम पूरी लगन से करती है। परी मीना के दोस्त आर्यन जिसने पेन चुराया था उसके घर चली जाती है। परी आर्यन को नजर नहीं आती। आर्यन टीवी देख रहा होता है। आर्यन पढ़ाई कर ले, रोज तेरे मास्टर शिकायत करते हैं, कभी पढ़ भी लिया कर। अरे माँ चिंता मत करो, मैं सारा काम कर लूंगा। अब से बस खाऊंगा पीऊंगा और मजे करूंगा, सारा काम इस पेन से करवाऊंगा। ये आर्यन कितना बुरा लड़का है, बिना जरूरत के जादुई पेन का इस्तेमाल कर रहा है और खुद जरा भी मेहनत नहीं करता। बहुत बुरी बात, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। अगले दिन सब मास्टर को अपना अपना काम दिखाते हैं। आर्यन को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसने अपना सारा काम पेन से करवा लिया था। मीना भी अपना काम मास्टर को दिखाती है। मीना की खूब तारीफ होती है और तालियां बजती है। अब आर्यन की बारी आती है। आर्यन अपनी कॉपी लेकर मास्टर जी के पास जाता है। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा की तरह खाली कॉपी, नील बटा शून्य है। क्यों रे, काम क्यों नहीं किया तूने? पर मास्टर जी मैंने काम किया था। तो क्या कॉपी खा गई तेरे काम को? बहाने बनाता रहता है, चल मुर्गा बन जा क्लास के बाहर। ये कैसे हुआ? मैंने तो जादुई पेन से लिखा था, फिर सब कुछ गायब कैसे हो सकता है? स्कूल से आकर मीना अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका पेन टेबल पर रखा होता है। मीना हैरान हो जाती है कि कल तो मैंने इसे सब जगह ढूंढा, मिली नहीं, आज कहाँ से आई? मैंने कल अच्छे से देखा था, टेबल पर नहीं थी, तो अब कहाँ से आई? मैंने रखी है मीना। परी, मेरा पेन तुमने कैसे ढूंढा? कहाँ था ये? कहीं गिरा था क्या? गिरा नहीं, चुराया था। किसने? आर्यन ने, उसने तुम्हें इसका इस्तेमाल करते देख लिया था। अच्छा, पर वो तो आज भी काम करके नहीं लाया था। वो इसका गलत उपयोग कर रहा था, इसलिए मैंने पेन का जादू खत्म कर दिया और उसकी कॉपी से सारा काम गायब हो गया। अच्छा, तो ये सब आपने किया? हाँ, जो भी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है वो उन शक्तियों का हकदार नहीं। हमें हमेशा किसी भी चीज का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, एक बात और, हमेशा जानवरों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल तुम्हारी तरह, मेरी नन्ही परी। तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा मेरी दोस्त बन के रहना। परी मीना को गले लगा लेती है। दोनों हमेशा साथ रहते, खेलते और खूब मजे